देखिए, आतंकी हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमें बड़ी चिंता है कि आज हमारा सरहद पर हमारा जवान और यहाँ पर बैठा हमारा किसान दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार को गंभीरता पूर्वक इस तरह के जो जवानों पर हमला जो है, मैं समझती हूँ देश की सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत बड़ा एक खतरा है, और सरकार को जल्दी से जल्दी जो है इस तरह के कड़े फैसले लेना चाहिए। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह से अपना कार्य करे, और हम आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाहरी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार की मदद में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। हमारे देश में कोई भी इस तरह की घटना होती है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की स्वयं की स्टेटमेंट आई कि इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है, और सही होने के बाद जब प्रदेश के मुखिया स्वयं अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि प्रदेश के हालात सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जा रहा, मंत्रियों को घुसने नहीं दिया जा रहा, विधायक अपने क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं, तो वो जनता का क्या भला करेंगे? जनता की चुनी हुई सरकार आज पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है और उनको जनता के बीच में जाने का बहुत ज़्यादा डर उनको है। तो ऐसे में जब वो जनता के बीच में जाकर अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, गुड्डा तक उन्होंने नहीं, उनको किताब सिंह मलिक जी का आमला गांव में कल मुख्यमंत्री को जाना था, कार्यक्रम कैंसिल उन्होंने किया है, तो हमारा तो उनसे कहना ये कि उनको जनता ने चुना है, ये लोकतंत्र है, उसमें राजा की तरह वो बिहेव ना करें। लोकतंत्र में अगर जनता बनाती है तो उनको गद्दी से उतारने का काम भी वो अच्छे ढंग से करती हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद या हमारे कॉरपोरेशन हैं, और जो पंचायत है, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। जब आपने सरपंचों के हाथों से और जिला परिषद के मेंबर से, ब्लॉक समिति मेंबर से चुने हुए जो नुमाइंदे थे उनसे सारे अधिकार लेकर आपने ऑफिसर्स को देने का काम किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सही समय पर चुनाव जल्दी करवाना चाहिए। केवल और केवल कारण चुनाव ना करवाने का ये है कि कानून व्यवस्था की जो है पूरी तरह से जो धज्जियां उड़ी हुई हैं सरकार के कंट्रोल में, आज प्रदेश के हालात नहीं है। सबसे बड़ा यही कारण है कि इन्होंने अभी तक पंचायत चुनाव करवाने का फैसला नहीं लिया है, क्योंकि जनता इनके पूरी तरह से इस समय खिलाफ हो चुकी है। देखिए, गृह मंत्री तो देश भर में क्या चल रहा है उस पर तो बहुत जल्दी ट्वीट कर देते हैं, और अपने प्रदेश की स्थिति वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। न केवल झज्जर में, बल्कि झज्जर के अलावा आप अभी सोनीपत में देख लो, आप रोहतक में देखो, अम्बाला में हुए, यमुनानगर में हुए, कितने ज़्यादा जो है इस तरह से चोरी हैं, डकैती हैं, लूटमार की वारदात हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है। और झज्जर में अब लगता है कि छोटी मोटी चोरियां यहाँ का जो है असामाजिक तत्व जो है इतने ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं, वो आए दिन व्यापारियों की दुकानों में घुस के बंदूक की नोक पर जो है इस तरह के हाथ से वारदातों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, और सरकार के कान पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब बजाय आपस में मंत्री और अफसरों में झगड़ा करने की बजाय आम जनमानस जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बहुत ज़्यादा खराब है उसकी और वो चिंता भी करें और उनका समाधान करने का प्रयास भी करें।